सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सर्कल का सिलेबस, हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन का। हमारा कंप्लीट होगा क्या? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया और हम सर्कल का कार्य करेंगे। तो सर्कल में हमारा है प्रश्न नंबर 94, आज है 93 तक हमने पढ़ लिया था। और कईयों के एक दो के कमेंट आए थे कि हमें स्केल ड्राइंग करवाइए, तो यदि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जिनके जिस विषय के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस विषय पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कमेंट सिर्फ एक का कमेंट आया था स्टिल लाइफ के लिए और एक का कमेंट आया था स्केल ड्राइंग के लिए। तो यदि बहुत सारे लोग आप चाहते हैं कि हमें स्केल ड्राइंग पे या मॉडल ड्राइंग पे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो मेरा प्रश्न है वो 94 है और उसमें है, एक वृत्त खींचो जो तीन ज्ञात बिंदुओं ए बी सी से गुजरे। तो हमें क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है वो हमने सबसे पहले लेना है। हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो देखिए ये एक बिंदु है, इसका नाम मैं देता हूँ ए, ठीक है जी। एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है ये, इसका नाम मैं देता हूँ बी। एक और बिंदु दिया हुआ है सी, ठीक है। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं से गुजरता हुआ मुझे वृत्त बनाना है। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन बिंदुओं को डॉटेड आपस में मिला देते हैं ऐसे, और हमने ए बी को मिला दिया, अब हम बी और सी को भी ऐसे मिला देते हैं। और हम क्या करेंगे, इनके समद्विभाजन कर देते हैं। ए और बी रेखा का हम समद्विभाजन कर देते हैं, इसी तरह से हम बी और सी का भी समद्विभाजन कर देंगे। देखिए देखिए ये हमारा बी और सी का समद्विभाजन ये आया है नीचे यहां पे, और ये जो समद्विभाजन है ये हमारा ये आया है। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से प्रकार छोटी कर सकते हैं, मैंने एक ही जितनी प्रकार पहले खोल देखी थी उतने प्रकार से काम चला लिया है। आप चाहो तो यहाँ प्रकार छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों चापे दोनों लाइनें आपस में मिल रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ। अब देखिए आपने क्या करना है, ओ से या तो आप सी जितनी प्रकार खोल दीजिए, ये देखिए, या आप ए जितनी खोल दीजिए या आप बी जितनी खोल दीजिए, देखिए बिल्कुल ये बराबर आएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं आएगा, ये देखिए। और आप यहाँ से इनसे इन तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त लगा सकते हैं, देखिए बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी दिक्कत के आप आराम से वृत्त लगाइए और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही बनेगा, किसी तरीके की समस्या नहीं रहेगी। 94 क्वेश्चन नंबर है और आप स्क्रीन में भी इसको देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 95, दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। इससे पहले जो हमने वृत्त किया था उसमें तीन बिंदु दिए थे और हमने वृत्त पूरा करना था। इसमें हमें पहले वृत्त दिया है और हमने इसका केंद्र ज्ञात करना है। अब एक वृत्त दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है वो हमने सबसे पहले लेना है। हमें दिया हुआ है एक वृत्त, तो हम सबसे पहले वृत्त ले लेंगे जो दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है पर इसका केंद्र हमारे पास तो यहाँ आ रहा है जहाँ से हमने वृत्त लगाया है, ये आ रहा है केंद्र। मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शा देता हूँ, ये देखिए। तो ये कह रहा है कि इसका केंद्र ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है कि इसका केंद्र कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चार पॉइंट ले लेंगे, ये आपका ए बी और यहाँ हम ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं हम डी। हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं दोनों रेखाओं को, ए और बी को मिला देते हैं डॉटेड और सी और डी को भी आपस में मिला देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है, जो प्रश्न में दिया होगा वो सबसे पहले लेना है। और हम क्या करेंगे, इसका
समद्विभाजन कर देते हैं ए और बी का। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हमारा समद्विभाजन हो गया है। हम यहाँ पे इन रेखाओं को, इन चापों को आपस में मिला देते हैं। ठीक, यहीं पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारा वृत्त है, सॉरी रेखा है, इसको भी हम, इसका भी समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजन हो गया है और इसको मिला देते हैं। ये देखिए ये दोनों रेखा है हमारे यहाँ पे कट रही है, बिंदु पे, इस बिंदु पे दोनों रेखा यहाँ के कट रही है। इसका मतलब है कि रेखा ये जो हमारा वृत्त है ये हमारा सही है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं।